नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 486वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन इतना है कि ये 486वां दिन भले ही 486 दिन से रेगुलर है, लेकिन इसके पहले भी 150 से ऊपर वीडियो बन चुके थे। यानी कि टोटल जो है दोस्तों 600 प्लस वीडियो जो है ओमनीसेंट इंग्लिश सीरीज जो प्लेलिस्ट है उसमें है। अब बात करते हैं दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाएंगे आने वाले वीडियो के लिए, तभी पता चल सकेगा कि 486वें दिन के बाद से कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं और कब कब आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। देखिए इस वीडियो को देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या इस वीडियो में है। तो इस वीडियो में है दोस्तों कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं इंग्लिश के, जो कि टेक्स्ट लिए है मैंने, और ऐसा टेक्स्ट लिया है जो कि बहुत ही कहें कि इस तरह का इंग्लिश जो अगर पढ़ लेते हैं तो आप बहुत कुछ जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे। और इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स और वर्ड का बात मैं करूँगा जो कि बार बार रिपीट होते हैं, यानी अंग्रेजी का कोई भी वर्ड हो, इंग्लिश का कोई वर्ड हो, उसमें वो पार्ट बार बार रिपीट होते हैं। साथ ही जो हमारा वोवेल है, जी हाँ दोस्तों, वोवेल तो आपको पता ही होगा कि वोवेल 5 होता है, और वोवेल जो है उसका रिपीटेशन कैसे कैसे होता है, यानी कि ए ई आई ओ और यू, इसका प्रोनंसिएशन जो है 4-5 तरीके से होता है, यानी ए को 4 तरीके से, ई को 5 तरीके से, आई को 4 तरीके से, ओ को 4 तरीके से, और यू को 4 तरीके से जो है बोलते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को कई बार कुछ, कई बार कुछ बोला जाता है। कहीं अब मैं बताऊंगा उसको, उसका भी एक चार्ट मैंने दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चार पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो चार्ट, उसका वीडियो तो लगभग चल रहा है, 20 क्लास से चल रहा है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन सा है। लेकिन जब तक आप पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उसको याद करना हो। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, ओमनीसिएंट जो है, ओमनीसिएंट इसमें हमारा ई एन टी जो है एक पार्ट है, ये जो कि बार बार आता है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत ही बार बार आता है, जैसे कि यहाँ से एम एन टी, इसके पहले सी है इसलिए सी एंट हो गया। अगर एम यहाँ मिला देते, लिख देते तो मेंट हो जाता है, सी रहता सेंट, एस रहता सेंट, टी रहता तो टेंट, बहुत सारे वर्ड। जैसे इंग है, ये बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है। उसके बाद आप देखेंगे और भी, जैसे सी एस ई को स बोलते हैं कई तरह से। तो ये कुछ रिपीट होने वाले वर्ड जो कि जिसे पार्ट्स ऑफ वर्ड कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, कुछ ना कुछ पार्ट होता है, कुछ पार्ट जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ई एन टी, ई एन जी है ना, आई एन जी, एस यू वी, ये सब रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे पार्ट जो कि रिपीट नहीं होते, उसका उसमें जो ए ई आई ओ यू का जो पैटर्न है, उसका उच्चारण कैसे होता है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च पर टाइप कीजिए, या माइक पर बोलिए, या गूगल में भी टाइप या माइक पर बोल सकते हैं, ओमनीसेंट इंग्लिश आ जाएगा। साथ ही दोस्तों देखिए, राइटिंग की बात की जाए, स्पोकन की बात की जाए, या रीडिंग की बात की जाए, सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर कहा जाए ना कि भाई सबसे पहले क्या करते हैं आप, देखिए सबसे पहले आप करते हैं दोस्तों कि अगर आपको, जाहिर सी बात है कि आप इंग्लिश बिल्कुल ही जीरो है तो आप पढ़ना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी टेक्स्ट रहता है आपको पढ़ने आता है तो लगेगा कि हाँ चलिए पढ़ने तो आ रहा है, और पढ़ने भी आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें आप देखते हो कि तरह तरह के जो है टेक्स्ट जो रहता है वो सभी के सभी इंग्लिश में रहता है। हिंदी में कुछ सेटिंग्स नहीं रहता, इंग्लिश में कुछ नहीं रहता, जो भी कुछ है। लेकिन हम लोग को आदत है, हम लोग करते हैं, हम लोग को समझने से कोई मतलब नहीं कि रूल रेगुलेशन क्या है, क्या किस क्या आ रहा है नोटिफिकेशन, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ से बंद करना है, कहाँ से खोलना है, तो ये सब टेक्निकली सब तो कर लेते हैं। लेकिन जब पढ़ने की बात की जाती है तो कुछ वर्ड पढ़, जैसे कि मान ली एंड, ए एन डी है, एंड है, राइटिंग है, इंग्लिश, ये सब बहुत कॉमन है, स्पोकन कॉमन। लेकिन जब भारी भारी बात वर्ड आते हैं तो वहाँ फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने एक प्रयोग भी किया था जिसमें मैंने लिया था कुछ महिलाएं बच्चों को, ताकि वो कैसे पढ़ती हैं वहाँ से पता चल सके। देखिए उम्र कोई भी हो, इंग्लिश सीखने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर अंग्रेजी सीखने का जुनून है, अगर आप रखते हैं जुनून और मेहनत करते हैं, परिश्रमी हैं, कहने का मतलब कि जब लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बस हमारे साथ बने रहिए और सब कुछ सीखिएगा विथ इजी स्टेप। यानी कोई भारी भरकम बुक्स लेना है ना ही कोई ग्रामर का रूल रेगुलेशन याद करना, लेकिन हाँ
एक दोस्तों कॉपी रखना होगा। जी हाँ दोस्तों कॉपी रखना होगा, और अधिक से अधिक जो मैं बताता हूँ उसके रूल जो मैं तरीका बताता हूँ उसको मतलब याद करना, जैसे कि वर्ड मीनिंग आपको अधिक से अधिक याद करना होगा, ठीक है। लेकिन उसका भी तरीका मैंने बताया है कि कैसे वर्ड मीनिंग को मतलब स्पेलिंग याद करेंगे, या मीनिंग है तो मीनिंग तो आपको याद करना ही होगा। जैसे हिंदी अर्थ, अगर हिंदी अर्थ नहीं याद करते, कुछ लोग इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं या कुछ लोग ऐसे ही समझ जाते हैं तो वो अलग बात है। तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बस कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए, हमारा वीडियोस आपके सामने होना चाहिए, बस सब कुछ हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखिए ये जो टेक्स्ट है मैंने लिया है, और मतलब कहने का मतलब कि इसके इसे पढ़ डालना है थोड़ा सा। कुछ लोग अगर मैं जो बिल्कुल ही जीरो है उनको कहूँगा पढ़ने के लिए तो उनको लगेगा कि भाई ये थोड़ा सा भारी है, लेकिन कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। जो वर्ड है हमारा है, जो अंग्रेजी का एक जो शब्द है वो उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन सब नहीं। आई पढ़ने का प्रयास करते हैं तोड़ तोड़ कर, उसके बाद इससे ही इसी टेक्स्ट को देखेंगे विद पार्ट्स ऑफ वर्ड, और वहाँ पर मैं बताऊँगा कि जो ए आई ओ यू है हमारा वोवेल उससे कैसे पढ़ेंगे। कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट है वो देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ हो रहा है हमारे वोवेल का इंग्लिश में। तो वो देखिए ये है लो, ठीक है, बिलो, वी लो, विलो और एवरेज। अब देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई कैसे पढ़ रहे हैं, एवरेज एवरेज एडल्ट एडल्ट ह्यूमन ह्यूमन हाइट्स 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 बोलते हैं इसे हाइट्स। वाई कंट्री ओ यू एन टी को अंट बोलते हैं ना, एस है तो काउंट हो गया, अगर एम रहता है यहाँ पर तो क्या होता है माउंट होता है, माउंट बोलते हैं एम ओ यू एन टी माउंट है ना, माउंट एवरेस्ट, तो एम यू एन टी माउंट होता है, ये तो टी आर वाई ट्री है, तो माउंट में री लग गया तो खैर काउंट में टी लगे तो कंट्री हो गया, तो कंट्री पढ़ते हैं काउंट नहीं, क्योंकि काउंट अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज़ रहता है, इसे काउंट अब यहाँ कंट बोलते हैं कंट्री। और जियो ग्रह फिकल एल को यहाँ आ रहा है, सी में लग गया तो कल हो गया, रीजन द ओरिजिनल ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल स्टडीज स्टडीज एंड सोर्सेस सोर, देखिए सोर यहाँ तक लगते हैं सी ई को सब बोलते हैं, इस लग गया इसे जा पुकारा जाता है ना, एस को जा अंग्रेजी में ज़्यादातर जा ही बुलाते हैं लोग। सोर्सेस शुड ओ यू एल डी गुड बोलते हैं, या देखिए शुड हो गया, वी कंसल्टेड ये बार 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 आएगा कंसल्टेड, ये भी बार बार आ पाएगा तो कंसल्ट, तीन बार में कंसल्टेड फॉर डिटेल्स ऑन मेथोडोलॉजी एंड द एग्जैक्ट 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 है ना, एक्ट हुआ एग्जैक्ट पॉपुलेशंस मेजर्स 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 मेजर्ड सर्वेड, सर्वे होता है सर्वेड, सर्वे तो बोलते हैं सर्वे, तो इसमें ईडी लग गया सर्वेड हो गया, और कंसीडरेड कंसीडरेड एज विद एनी स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल। देखिए लंबे लंबे स्पेलिंग वाले जो वर्ड होते हैं वो भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने का पता चला है कहाँ तोड़ना है, तो ये तोड़ने का तरीका अगर आप सीख जाते हैं तो इजीली पढ़ सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे तोड़ा जाता है और क्यों कैसे। तो यहाँ पर जो भॉवेल का खेल है, जो हमारा भॉवेल है वो भी अंग्रेजी से तो कॉन्सोनेंट प्लस भॉवेल, कॉन्सोनेंट प्लस भॉवेल से जुड़कर ही वर्ड बनता है, या कहा जाए कि वर्ड भॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के जुड़ने से ही वर्ड बनता है ना। तो ये है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जिसको आपको समझना होगा। तो देखिए स्टैटिकल्स डेटा द एक्यूरेसी एक होता है, क्यू होता है रेशी ऑफ सच सच डेटा में एम ए वाई में होता है, जैसे टी एल ए वाई ले होता है ना, जी ए वाई गे हो जाएगा, कई तरह का।
बी क्वेश्चनेबल, क्वे क्वे क्वेश्चन, क्वेश्चन शन होता है एबल, क्वेश्चनेबल, और वेरियस वेरियस वो यूज कर्स बोलते हैं, रीजन्स, सम स्टडीज स्टडीज आई एस को इज बोलते हैं, डी में लगे डीज हो गया, मे अलाउ अलाउ सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स टू सेल्फ रिपोर्ट, वैल्यूज वैल्यूज देखिए ई एन को एन बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, जेन जेन या देखिए ई एन में जी लगे जेन हो गया और ई आर में एन लगे तो न नर्व हो गया, जनरली ली वाई को एल वाई को ली बोलते जनरली, स्पीकिंग स्पीकिंग, सेल्फ रिपोर्टेड, हाइट्स देखिए ई एन डी एंड्स बोलते हैं तो, या ई एन को एन बोलते हैं टी लगे टेन हो गया और ई डी एस को डेस तो टेंट्स, टू बी ई आर को आर बोलते हैं, एल में लग गया तो लर हो गया, टॉलर देन इट्स मेजर्ड मेजर्ड हाइट, ऑल दो द ओवर एस्टिमेशन देखिए ई आर है तो वी लग गया तो वर हो गया तो ओवर ओवर एस्टी एस्ट होता है, ई एस टी एस्ट होता है, टी आई लग गया तो एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन ऑफ हाइट, डी ई एन है लगाओ ना ये ई आ गया ई एन डी समझिए, ई एन हो गया तो पी लग गया तो पेन हो गया, ई डिपेंडेंट्स डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द री ओ आई एन जी लगाओ टी में तो टिंग हो गया ना, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हाइट्स एज जेंडर ई एन है लगा हुआ ई आर लगा हुआ तो ये हो गया जेन और ई एन के बल जी एस जेन और ई आर के बल डी है तो डर जेंडर एंड देखिए जी आई एन को जन बोलते तो रीजन जेंडर रीजन तो ये तो है कि वही तरीका थोड़ा थोड़ा पढ़ने का। आइए उस हिस्सों को जानते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और उसको और पकड़ लेते हैं आप कि भाई ये तरीका है ये जो बार बार रिपीट होने वाला है और इस तरह क्लास जो कि काफ़ी क्लास हमारे करते हैं तो हर तरह का चूँकि अब मैं तो एक जगह मैंने लिया भी है पार्ट्स वर्ड की ये पार्ट्स वर्ड लेकिन आपको वहाँ लगेगा कि भाई ये तो ठीक है लेकिन इसका यूज़ कैसे करना तो यहाँ मैं सिर्फ यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ। तो आइए देखिए दोस्तों आप कहीं से हैं कोई भी हो स्कूल में हो या स्कूल से पास आउट हो एक्चुअली ये वीडियो तो उन लोगों के लिए रहता ही है मेरा जो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं रहते हैं या जाहिर सी बात है हिंदी मीडियम से हो अपने समय में कहीं ना कहीं आज भी दिक्कत फील कर रहे हो कि भाई नहीं आ रहा पढ़ने। वाकई में अभी भी लोगों को दोस्तों मान एकदम 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में ही चार पांच ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप खुद कहिए खासकर महिलाओं के बारे में लड़कियों के बारे में कि उनको पढ़ने नहीं आ रहा है आखिर क्यों क्या वजह है क्या नहीं चल रहा है तो कौन बताएगा वो किसी के पास टाइम नहीं है अब तो झिझक से भी वो लोग बाहर नहीं निकल पा रही हैं और जो पढ़ पा रही है तो कोई बात ही नहीं है लेकिन वो क्या दूसरे को सिखा रही है तो नहीं ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास समय नहीं है कहाँ से समय अपना समय उनके जो किसी भी व्यक्ति के पास अपना समय बहुत कम है तो जाहिर सी बात है आप हमसे सीखिए और अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। आपका कोई भी डाउट मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो डाउट्स है और दूसरे के थ्रू मैंने दिया है कि भाई आप बोले मैंने पढ़वाया भी यहाँ पर लाकर ताकि जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता चल सके एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है पढ़ने में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये देखिए दोस्तों ये वो पार्ट है हमारा रेड वाला जिस जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं ना और ये ऐसा नहीं कि सब है लेकिन बहुत अधिकांश जो है बार बार रिपीट होने वाला आपको यहाँ मिल जाएगा और एक इसी स्लाइड में आपको दो तीन बार एक ही चीज़ मिलते रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं देखिए जैसे कि मैं तोड़ कर ही बताता हूँ वी तो वी को वी बोलते हैं ये वी हमेशा वी ही रहता है इसको वी ही बोलेंगे एल ओ डब्ल्यू को लो बोलते हैं देखिए तो ये लो ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं एक्चुअली एल लगे तो लो हो गया अब इसे लो से जैसे कई वर्ड बना सकते हैं ना जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो है ना बी एल ओ डब्ल्यू ग्लो बहुत सारा तो ये तो एग्जाम्पल मैं लिया हूँ इसलिए एक दो बताता हूँ ठीक है आर एवरेज देखिए ई आर है ई के ई आर के पहले वी लग गया तो वर हो गया और ए जी ई के पहले आर लग गया तो रेज हो गया तो एवरेज
एवरेज, तो एक्चुअली ई आर के पहले वी लगे तो एवरेज है ना, एवरेज एवरेज यहाँ तक भी तोड़ भी सकते हैं एव, और एज के पहले आर लगा तो रेज हो गया, तो एवरेज एडल्ट एड हो गया या ए डल्ट एड एड अल्ट है ना एडल्ट, तो एडल्ट हो गया। ह्यूमन, देखिए ह्यूमन 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 बोलते हैं ह्यूमन। हाइट्स हाइट्स IT IGST वाइट बोलते हैं। अब इसी से दोस्तों बनता है बहुत सारा बनता है, यहाँ तो कुछ और ही लग रहा होगा आपको। देखिए IGST है तो FIGHT क्या होता है, फाइट होता है, या कहिए NIGHT नाइट होता है, या SIGHT साइट होता है, बहुत सारे मिल जाएगा। माइट भी देखते हैं, एम बोलते हैं ना माइट, MIGHT क्या हो गया माइट, तो कई मीनिंग मिल जाएंगे आपको। देखिए माइट वाई कंट्री कन CUN कन हो गया कन, ट्री कंट्री RY का री होता है तो कंट्री, और जियो जियोग्राफिकल एल है रीजन, देखिए GIN को जन बोलते हैं, रीजन द ओरिजिनल है ना, ओ ओ री जी एल लग गया एन में तो अल हो गया ओरिजिनल, स्टडीज स्टडीज एंड सोर्सेज 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 शुड बी कंसल्टेड, या तो कंसल्टेड ये बार बार कन बार बार रिपीट हो, कंसल्ट में या कंडीशन में है ना, कंफ्यूजन में कंफर्मेशन में, तो कंडीशन में देख लीजिए कंडीशन, यहाँ पर ये तो सन आ रहा है, यहाँ CUN कन आ रहा है, ये दोनों है तो कंडीशन ठीक है। आप तो कंसल्टेड है, टी डिटेड ये भी बहुत बार खासकर एक्शन वर्ड जो होते हैं जैसे वो वेंट गॉन होते हैं ना, डांस डांस डांस, या कलेक्ट कलेक्टेड कलेक्टेड, तो वो जो पास्ट पास्ट पार्टिसिपल उसमें टेड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो ये कंसल्टेड हो गया। फॉर डिटेल्स डिटेल्स ऑन मेथोलॉजी मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी, ये लॉजी बार बार आएगा वर्ड लॉजी है ना, जैसे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी मेथोडोलॉजी पैथोलॉजी है ना, बहुत सारे वर्ड में तो ये लॉजी तो आएंगे ही। एंड एग्जैक्ट एग्जैक्ट एक्ट होता है एक्ट होता है एक्स है तो एग्जैक्ट हो गया। पॉपुलेशन पॉपुलेशंस है ना, मेजर्ड 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 सर बोलते हैं ई एस यू आर, जैसे TIUR को देखिए TURE को चर बोलते हैं तो SUR को सर बोलते हैं, SUR को सर बोलते हैं तो मेजर्ड ईडी लगे मेजर्ड, सर्वे सर्वेड देखिए सर्वे यहाँ तक होता है ईडी लगे सर्वेड, और कंसिडरेड 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 हो गया। एज विद एनी एस्टैटिकल देखिए एक बार बोलिए एस्टा तीन बोल लेते हैं यहाँ पर एस्टा फिटिस लेंगे फिर टी लेंगे और कल लेंगे स्टैटिस्टिकल एस्टैटिस्टिकल एस्टैटिस्टिकल स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स का ही ये से मिलता जुलता है उसी का है स्टैटिस्टिकल डेटा द एक्यूरेसी। देखिए कुछ लोग डाटा बोलते हैं कुछ लोग डेटा ही बोलते हैं, उन्हें सही है डेटा भी बोलेंगे डाटा ही बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी ऑफ सच डेटा में वी क्वेश्चनेबल, देखिए क्वेश्चनेबल और क्वेश्चन क्वेश्चन और इसके बाद एबल है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी है और एबल भी है, और देखिए वो यूज को अस बोलते हैं तो वह और अस है तो वेरियस रीजन्स रीजन्स है ना रीजन्स वेरिय रीजन्स सम स्टडीज स्टडीज में अलाउ सब्जेक्ट्स टू सेल्फ रिपोर्ट वैल्यूज वैल्यूज जनरली जनरली देखिए GEN में EN में जी लगे तो जेन हो गया और ER में N लगे तो नर हो गया तो जनरली देखिए EN ER L अल अली जनरली स्पीकिंग स्पी
आईएनजी लग गया तो इंग हो गया स्पीकिंग, सेल्फ रिपोर्टेड, रिपोर्टेड सेल्फ रिपोर्टेड हाइट टेंट्स, ठीक है एन है तो ई एन के बदले टी लगा तो टेन हो गया, टेंट्स टू बी टॉलर, ई आर है टॉलर देन इट्स मेजर्ड, मेजर्ड मेजर्ड हो गया, ईडी लग गया हाइट, ऑल दो द ओवर, देखिए ओवर ओवर ओवर, देखिए यहाँ ओवर एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन ऐसे बोलते हैं, ओवर एस्टिमेशन ऑफ हाइट डिपेंड्स 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 ऑन द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हाइट एज ई एन है ई आर है तो जेंडर एंड रीजन। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ये तो मैंने बताया कि भाई ऐसे तोड़ के पढ़ना, ठीक है अब मैं बताऊंगा कि भाई ये जो पाठ है जो आप पाठ देख रहे हैं रेड वे, इसके अलावा जो भोवेल हमारा उसका उच्चारण कैसे होगा ये यहाँ पर देख लीजिए और उसके बाद उसका जो है पाठ मैं दिखाऊंगा। दोस्तों ये देख रहे हैं आप जैसे कि लो है, चलिए कोई बात नहीं है, इसमें दो भोवेल है ए ई ए, तो मैंने एक बताया ना कि एल ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं, लगे तो लो हो गया, लेकिन बी ई को बी बोलते हैं, बी ई का मतलब ऐसे लिखते हैं ना बी और ई, इसका मतलब है कि ये ई कार की मात्रा का लिए आप ये दे सकते हैं ना, बड़ा है, बड़ी कार की मात्रा का ये, बड़ी कार की जो ई कार होता है इसका ये मात्रा चिन्ह है बी, ऐसे है ना, तो बी बी हो गया। अब आर एवरेज, यहाँ पर ए है ई है तो चलिए ए है ई है तो ऐसे इसका पर ए को ए बोलेंगे और ई जो है ई का उच्चारण अ के रूप में होता है तो वी के साथ लग गया अ तो वह हो गया एवरेज। अब देखिए ए के बाद जैसे ई आता है तो उच्चारण ए कार के रूप में ना होकर ए कार के रूप में तो एवरेज। अब एडल्ट ए, अब देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हो रहा है अ के रूप में तो डी में लग गया अ तो ड हो गया ना तो एडल्ट। ह्यूमन, यहाँ पर यू का उच्चारण ई यू के रूप में हो रहा है ह्यू ह्यूमन ह्यूमन, यहाँ ए अ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। जैसे मैन एम एन मैन बोलते हैं एम ए एन बोलते हैं मैन, यहाँ जो कि उच्चारण ऐसे होता है ना मैन ऐसे लिखा जाता है मैन, लेकिन यहाँ ह्यूमन होता है ह्यूमन, यहाँ पर ए अ हो रहा है यहाँ पर ए हो रहा है, या देखिए ए तो ह्यूमन हाइट्स बाय कंट्री सी ओ यू एन जो है इसका उच्चारण अ के रूप में हो रहा है तो कन हो गया और टी आर वाई ट्री हो गया और जियो जी जियो ग्रह ग्रह ना ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है जियो ग्रह फी आई का उच्चारण आई के रूप में और कल ए का उच्चारण अ के रूप में जियोग्राफिकल रीजन रीजन द ओ रीजनल है ना स्टडीज स्टडीज एंड सोर्सेज सो सोर सोर देखिए अर है सोर सेज सी ई को एक्चुअली ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ है तो सी के साथ लग गया तो से इसका मतलब ज होता है तो सोर्सेज वुड है तो सूड हो गया और अगर डब्लू होता तो वुड होता सी है तो स्कूड हो जाता वी सी यू एन कन यो का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है तो कन हो गया यू का उच्चारण भी अ के रूप में तो सल हो गया और ई का उच्चारण ए के रूप में टी के साथ लगा हुआ ए टी के साथ लगा टी के बाद ई लगा तो टेड टेड फोर ओ आर को आर बोलते हैं ओ आर को आर बोलते हैं तो एफ लग गया तो फोर डी को डे डी डी से डी को डी टेल डिटेल्स डिटेल्स ऐसे लगा डिटेल्स ऑन मे एम ए को मे ई का उच्चारण ए के रूप में मेथड 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 मेथडोलॉजी तो एक साथ लेंगे थोडोलॉजी लॉजी एंड द एग्जैक्ट एग्जैक्ट है ना एग्जैक्ट पॉपुलेशन पॉप्यूलेशंस वो का ओ का उच्चारण ओ के रूप में यहाँ पू का यू का यू का उच्चारण यू के रूप में तो पॉपू पॉप्यू पॉप्यू ई यू के रूप में सॉरी पॉप्यू पॉपुलेशन पॉपुलेशन भी बोलते हैं पॉपुलेशन भी बोलते हैं पॉपुलेशन करिए ओ के रूप में पॉपुलेशन एक उच्चारण एक रूप में और ये सन तो है ही
मेजर्ड सर्वेयर, एयू का उच्चारण अ के रूप में, ई का उच्चारण ए के रूप में, ईडी तो है एक ई, यहाँ पर ईडी में ई जो है ए के रूप में, सर्वेयर्ड सर्वेयर्ड, और कन ओ का उच्चारण अ के रूप में कन हो गया, सी आई का उच्चारण आई के रूप में तो कंसी हो गया आई, डे कंसीडे रेड है ना, कंसीडरेड एज विद एनी, देखिए स्टै है तो एस आधा है कोई बात नहीं है, टी ए में जो है ए जो है ए के रूप में चार्ज किया गया तो स्टै टिस टिस टी कल है ना, तो इस तरह से दोस्तों अब आइए देखते हैं वो पार्ट को ताकि आप समझ सकें थोड़ा फास्ट में, डाटा में ए डा आ के रूप में, आ के रूप में अगर डेटा बोलते हैं तो ई ए के रूप में, एक्यूरेसी में ए यू जो है ईयू के रूप में, आर जो है रे के रूप में तो एक्यूरेसी ऑफ सच, यू जो है अ के रूप में हुआ ठीक है, आ के रूप में, मे में ए जो है ए के रूप में, ए के रूप में नहीं तो मे हो गया ना, बी क्वेश्चनेबल क्वे क्वे क्वेश्चन क्वेश्चनेबल ए के रूप में, ए के रूप में क्वेश्चनेबल क्वेश्चनेबल, फोर व ए वाला जो है ए के रूप में, री आई जो है आई के रूप में, अस को अस बोलते हैं, वेरियस वेरियस रीजन, ये जो ई है जो है इसको बड़ी कार के रूप में यूज करते हैं, री तो मात्रा तो यही होगा ना, री का री जन्स एस जो है जन, इसको ज बोलते हैं रीजन्स, ओ जो है अ के रूप में, सम स्टडीज यू के जो अ के रूप में, ई आई एस जो है ई के रूप में बड़ी कार के मात्रा के रूप में, ई स्टडीज में लॉ, यू जो है अ के रूप में, ई जो है ए के रूप में, सब्जेक्ट्स सेल्फ में ई जो है ए के रूप में, री जो है यहाँ जो आ रही है री तो ई जो है ए के रूप में, तो रिपोर्ट रिपोर्ट वैल्यूज जनरली ई ए के रूप में, ई ए के रूप में, ए ए के रूप में तो जे ने जेनरली स्पीकिंग, ई जो ई ए जो है इसका उच्चारण ई के रूप में तो ये क्या हो गया ऐसे वाला है ना, ये मात्रा है स्पीकिंग, ऐसे लिखते हैं ना स्पीकिंग 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 हो गया ना, तो स्पीकिंग तो इस तरह से लिखते हैं स्पीकिंग, सेल्फ ई जो है ए के रूप में, रिपोर्ट में ई के रूप में, रिपोर्टेड हाइट्स टेंस ई के रूप में, ए के रूप में, वी ई आर जो है आर taller than its measured heights, although the overestimation over e जो है एक रूप में और e जो है rest वाला जो है rest में e जो है एक रूप में, ti जो e के रूप में, m में जो है me के रूप में, a के रूप में, estimation यानी कि a estimation of height depends i के रूप में ठीक है, ई के रूप में सॉरी ई के रूप में, ई जो है पी एन में, ई जो है ए के रूप में, डिपेंड्स ऑन रिपो वो जो है ओ के रूप में, रिपोर्टिंग इंग जो है इंग के रूप में, यू जो है आप सब्जेक्ट में, आ के रूप में, ई जो है ए के रूप में, सब्जेक्ट्स हाइट्स एज 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 के रूप में, ई जो है ए के रूप में, ई है जो है आर के रूप आ के रूप में, तो यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर जो है आ हो गया तो क्या हुआ जेंडर है ना, ई एन है जे के साथ लगा ई एन तो जेन हो गया और ई आर डी के साथ तो डर हो गया जेंडर एंड रीजन ठीक है रीजन रीजन। तो दोस्तों ये है जिसको मैंने बताया कि कौन कौन सा है और देखिए ये वाला पार्ट जिससे हम समझेंगे कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड तो याद रहना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए जैसे कि ए है ई है आई हो ओ यू ये डबल हो है। अब इसे कि मैंने बताया ना भोवेल है, ये भोवेल को जो है पांच तरीका से हम लोग पढ़ते हैं, अगर ये पांच तरीका बार बार आप रिपीट करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा एक्सरसाइज रिपीट होगा तो आपको बहुत इजीली पढ़ने में आ जाएगा, जैसे कि ए को ए का यहाँ मेरे एग्जांपल ई का एग्जांपल यहाँ आई का एग्जांपल यहाँ ओ का एग्जांपल है यू का एग्जांपल है डबल ओ का एग्जांपल यहाँ है, तो देखिए इसमें जो कॉमन है सभी को ए आई ओ यू को जो है आ तो पढ़ते हैं ठीक है, अब बचा सब में दो तीन है ना, तो ध्यान में रखना होगा ए में जो है अलग से ए आया रहता है, तो देखिए यहाँ पर ए एम ए डी है टी ए के ई है, तो यहाँ जो ए है एम ए डी मैड में उच्चारण
ए के रूप में हुआ है ना, ए के रूप में। और टेक वाला में उच्चारण ए के रूप में हुआ, जो कि ये है टेक। ऐसे भी ए की वजह से ई आता है तो उच्चारण ए के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है, तो ये टेक हो गया। ई वाला में देखिए, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो पी ई आर पर आ के रूप में हो रहा है ना, पर पी आर ई प्री, तो ये है फिर ई के रूप में हो रहा है। और ई पी एन पेन, यहाँ पर जो ए के रूप में हो रहा है ये वाला, तो पेन होता है ना, ऐसे भी पेन ही ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया मात्रा, ये मात्रा चिन्ह है, ये है हमारा जो है व्यंजन वाली मात्रा आई वाला। तो ये है, अब देखिए सर यहाँ एस आई आर में आई यहाँ है, आई यहाँ है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, लेकिन तीनों को उच्चारण अलग अलग, चारों को उच्चारण। जैसे एस आई आर में यहाँ जो आई है वो अ के रूप में उच्चारण हो रहा है, यानी कि ये वाला। एफ आई जी में आई जो है ये ई के रूप में उच्चारण हो रहा है। टी आई एन में जो आई जो है ये बड़ी कार के रूप में उच्चारण है। और एस आई जी एन में जो आई जो है ये आई के रूप में उच्चारण हो रहा है। तो ये हो गया ना शाइन। अब देखिए एस ओ एन ओ यू टी आउट डबल ओ एम या टी ओ एन ई। देखिए एस ओ एन में जो है ओ ये अ के रूप में उच्चारण हो रहा है, यहाँ भी है अ शन। ओ यू टी में आउट में आउ आ के रूप में, जो कि यहाँ भी है आउट, है ना। मून में ऊ के रूप में है ना। और टी ओ टोन में जो है ओ के रूप में, जो कि यहाँ भी है ओ। अब देखिए एस यू एन में पी यू टी में, पी यू टी में, टी यू एन ई में, यू जो है एस यू एन में शन अ के रूप में हुआ, पी यू टी में पुट ऊ के रूप में हुआ, और टी यू एन ई में ट्यून ईयू के रूप में हुआ, ट्यून ईयू। डब्ल्यू में जू में जो है ये बड़ी उगार की मात्रा के रूप में हुआ, जू। तो दोस्तों ये है कॉमन, अगर इसको आप पकड़ ले तो इंग्लिश तो बहुत इजीली पढ़ पाएंगे, बहुत ही अच्छा। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है हमारे साथ करते रहिए ताकि आप अच्छे से सीख सकें। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, अगर वीडियो बताइए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और एक लिंक यहाँ दिया गया है, एक लिंक यहाँ दिया गया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक यहाँ दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो कि हमारा है और प्ले लिस्ट का। और यानी कि डे वन से देखने के लिए वीडियो यहाँ पर क्लिक करिए, हमारे वीडियो को डे वन देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल आपको 100% गारंटी देता हूँ आप इंग्लिश सीख जाइएगा, बोलना पढ़ना लिखना बहुत ही फ्लुएंट और बहुत ही करेक्टली। तो दोस्तों धन्यवाद, विदाउट ग्रामर के सारे कुछ सारा सेंटेंस फॉर्म पर आधारित है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू।